नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। कौन बड़ा हिंदू है, कौन असली हिंदू है, कोई कौन हिंदू चैंपियन है, बीजेपी, शिवसेना या संघ? उद्धव ठाकरे ने अब ये प्रश्न एक बार फिर से उछाल दिया है। प्रेम शुक्ला जी, आनंद दुबे जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप चारों का स्वागत, चारों को नमस्कार और चारों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत हम आनंद दुबे जी आपसे करेंगे। आपके नेता दुबे जी, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हिंदुत्व को खतरा बाहरी लोगों से नहीं, नव हिंदुत्व से है, बीजेपी से है। क्या कहना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे? नमस्कार सईद भाई, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि शिवसेना 1966 से जब से बनी है, तब से हमारा एक ही नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व तो हमारा प्राण है, हम श्री राम जी के आदर्शों को मानने वाली पार्टी हैं, हम राम राज्य लाने वाली पार्टी हैं। लेकिन आप 1966 से कह रहे हैं ना दुबे जी, बीजेपी तो 1980 से कह रही है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे, जब कल आदरणीय मोहन भागवत जी ने आरएसएस के दशहरा रैली में भाषण दिया कि हिंदुत्व पर हम बात करेंगे, तब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि आपके ही शाखाओं से निकली हुई टहनियां आपकी ही बात क्यों नहीं मानती। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब कोई सत्ता लेना नहीं है, हिंदुत्व का मतलब सभी जाति सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन आपकी ही विचारधारा से निकली जो टहनियां भारतीय जनता पार्टी और दल है, या क्यों ऐसा नहीं करते, या क्यों हिंदुत्व का उपयोग सत्ता के लिए करते हैं, या क्यों हिंदुत्व का उपयोग मार काट के लिए करते हैं। जब लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहे थे तो क्या वो हिंदू नहीं थे? आप एक तरफ कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के पूर्वज एक ही हिंदू रहे हैं, तो जो आपकी विचारधारा नहीं मानता, जो राजनीतिक लाभ आपको नहीं दे सकता, वो हिंदू विरोधी हो जाता है, और जो आपके साथ सत्ता में भागीदारी बन जाता है वो हिंदू सार्थक हो जाता है। ये दोहरी राजनीति क्यों? आप हमें हिंदू का पाठ मत पढ़ाइए। देखिए, 1992 और 93 के समय जब दंगे हुए, अपने चरम पर थे, तब यदि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने आह्वान किया और तब उन्होंने रास्ते पर आकर लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई, ये असली हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब है कि किसी भी जाति और धर्म के लिए मदद करना। जब एक तरफ नवरात्रि चल रहा है, तब हमारे एकनाथ शिंदे जी ने थाना में 9 दिन रक्तदान शिविर लगाकर उस रक्त को इकट्ठा किया, ये हिंदुत्व है, ताकि जब किसी को रक्त की आवश्यकता हो तब उसे रक्त दे सके, यह हिंदुत्व है। हिंदुत्व का असली मायना है राष्ट्र धर्म, हमारे देश में रहने वाले सभी जाति धर्म का सम्मान करना, यह हिंदुत्व है। तो बीजेपी और संघ हिंदू आपको नजर क्यों नहीं आ रहे हैं अभी दुबे जी? मैं वही कह रहा हूं, मैं आरएसएस के ऊपर आ रहा हूं कि अगर मोहन भागवत जी सबको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने प्रिय, अपने गोद में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह विचारधारा क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग जो कि हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हिंदुत्व का राग अलापते हो। अपने घर में आप कोई जाति धर्म मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के चौकट से बाहर निकलते हैं, आपका एक ही धर्म होता है राष्ट्रित्व। हमारा राष्ट्र, हमारा देश, यह हिंदुत्व है। केवल जहां आपकी सरकार नहीं है, उस सरकार को गिरा के हेम केम प्रकरणम कैसे सत्ता पाई जाए, यह अगर हिंदुत्व है तो इसको असली हिंदुत्व से खतरा है, असली हिंदुत्व को खतरा है, या एक नकली हिंदुत्व जो भारत में आ रहा है उससे लोगों को घबराना। दुबे जी, हम प्रेम शुक्ला जी की तारीफ करेंगे कि आपको उन्होंने एक बार नहीं रोका। हो सकता है आपके हर वाक्य पर उन्हें आपत्ति हो और वो आपको रोकना चाहते थे, इसलिए अब आप प्रेम शुक्ला जी को मत रोकिएगा। प्रेम शुक्ला जी, इतने गंभीर आरोप जी हमने अपने पत्रकारिता जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में बीजेपी पर नहीं देखे, और वो भी हिंदुत्व और हिंदू को लेकर। आप नकली हिंदू हैं प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुत्व का इस्तेमाल देश को बांटने के लिए करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, ये आरोप है। तो क्या आप असली हिंदू नहीं हैं? नए हिंदू हैं आप? देखिए, बचकाने आरोप, जब सब आप शिवसेना से सोनिया सेना हो जाएंगे, जब आप शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे के विजयादशमी 2012 का अंतिम जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने जब समर्पित किया है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य को मैं ये महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करता हूं, तो समर्पित करते समय उन्होंने बताया कि भारत और हिंदुत्व के 5 दुश्मन पंचक, वो कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी,
श्रीमती प्रियंका वड्रा, श्री राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा और अहमद पटेल, ऐसा पांच नाम लेके अंतिम जो उनका वक्तव्य है श्रीमान उद्धव ठाकरे के संग्रह में, वो वक्तव्य निश्चित तौर पर होगा, उसको निकाल कर देख लें। और आप उन्हीं श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में शिवसेना को समर्पित करके आज कल सामना की संपादकी में किस तरह से नाक प्रियंका वड्रा की इंदिरा गांधी से मिलती है, इस पर जो है व्याख्यान देते तो हिंदुत्व तो किसका भाई साहब नकली हुआ। और जब श्रीमान उद्धव ठाकरे कक्षा 6 के विद्यार्थी थे, 1972 में भिवंडी के दंगे हुए थे, भिवंडी के दंगों में शिवसेना की भूमिका पर संसद में कम्युनिस्टों ने प्रश्न उठाए थे, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ के सांसद के तौर पर इसी शिवसेना की रक्षा कर रहे थे। 1972 में जब कम्युनिस्ट इनको पीट रहे थे, तब कम्युनिस्टों के खिलाफ जनसंघ इनका चुनाव में, परेल के चुनाव में साथ दे रहा था। और 1925 से हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन ने 1925 में हिंदुत्व को जो है स्वीकारा, और तब से लेकर अब तक हिंदुत्व हमारा, और आनंद दुबे जी ने कहा कि आप घर में हिंदुत्व की बात कीजिए, बाहर मत कीजिए, तब गर्व से कहो हम हिंदुत्व है। किचन में कहने की आवश्यकता थी, शिवाजी पार्क से हुंकार भरने की आवश्यकता ही नहीं थी। और बार बार श्रीमंत बाला साहब ठाकरे पे हिरवा लोगों के खिलाफ, हिरवा लोग कौन थे साहब, कौन थे, उनके पूर्वज क्या थे, उनके विरुद्ध लगातार वक्तृत्व दिया करते थे। और आप 1992-93 के दंगों की बात करते हैं, श्रीमान गोपीनाथ मुंडे पर उस समय कितने मुकदमे हुए, ये क्या किसी से छिपा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने बढ़ चढ़कर मुंबई करों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो को वेदी पर लगाने में कोई संकोच नहीं किया। तो पूरे देश में, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, कानपुर में दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, पूरे देश में दंगे, और हर दंगे में हिंदुत्व के नाम पर। अभी आप सेवा की बात कर रहे हैं, सेवा भारती एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हजारों उसके जो है दवाखाने हैं, हजारों हजार जो है अनाथालय है, जहां पर वृद्धों की सेवा, अनाथों की सेवा, महिलाओं की सेवा, बीमारों की सेवा करने का काम सेवा भारती से बड़ा काम जितनी शिवसेना का की कुल सदस्य संख्या होगी उससे अधिक सेवा भारती के स्वयंसेवक पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कृपया थोड़ी जानकारियां निकाल लीजिए, सोनिया की जो है चाटुकारिता से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे तो आपका जो शुक्ला जी ज्ञान है वो खुल जाएगा। जी शुक्ला जी, जी सही जी, दूसरे मेहमान भी हैं और आपको पूरा समय हमने दिया, और दुबे जी ने आपको भी नहीं रोका, ये भी बहुत अच्छी बात है दुबे जी, आपकी भी, आप ये नहीं कहें, और यही ऐसी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि फैसला तो जो हमारी चर्चा देख रहे हैं उन लोगों को करना है। आप में से किसकी बात हमारे देश की जनता के मन में घर करती है और वही वोट में तब्दील होगी। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए आया कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने से उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए अब वो आपकी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं? सर अच्छा नहीं है भाई साहब, ये देश की भाषा है जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कल कही है। देखिए अभी प्रेम भाई ने बहुत अच्छी बात की, बाला साहब ठाकरे साहब को याद किया उन्होंने, तो उन्हें यह भी याद करना चाहिए कि ये स्थिति बनी क्यों थी। अगर उन्होंने मातोश्री के पक्ष में, बाला साहब ठाकरे के पक्ष में, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो वायदा किया था, यदि उसको ना उससे पीछे ना हटे होते, तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द है कि शिवसेना उनसे दूर चली गई, तो मैं सोचता हूँ ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। पर ये क्योंकि इनका खुद का किया हुआ है, इसीलिए इनको इतनी तकलीफ है कि हमने बहुत अच्छे साथी को खो दिया, ये बात सच है। और आप देखिए इतिहास इसका गवाह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वजूद ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही जब बना जब उन्होंने शिवसेना के कंधों की सवारी की। आज भारतीय जनता पार्टी की जो भी ताकत है महाराष्ट्र में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे का उनको आशीर्वाद प्राप्त था और इसी के कारण वो वहां पे फली फूली है। लेकिन इस बात को भूल कर उन्होंने, उनके नेताओं ने जब शिवसेना से झूठ बोला, तो मैं शिवसैनिकों के बारे में एक बात बता दूं, शिवसैनिक सारी बातों को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन वायदा खिलाफी और झूठ को स्वीकार नहीं करते। ये खुद भी वचन से पक्के हैं और ये चाहते हैं कि जो भी इनसे वायदा किया जाए वो भी वचन से पक्का बना रहे। आज इत्तेफाक की बात ये है, नतीजे में कहता हूं बेहतर है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो शिवसेना के साथ इस समय जो गठबंधन है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने जो वायदा शिवसेना से किया है
हम लोग उसमें बिल्कुल पूरी तौर से खड़े उतर रहे हैं और इसी प्रकार से शिवसेना ने जो हम लोगों से वायदा किया है उसमें वो खड़े उतर रहे हैं। ये दोस्ती सच्चाई और एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़ी हुई नहीं है, ये दोस्ती सच्चाई और अपनी बात से अड़े रहने से जुड़ी हुई है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और मैं सोचता हूँ कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो हिंदुत्व की बात की है बिल्कुल निश्चित रूप से मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि प्रेम भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं या सांस्कृतिक जो संस्था है आरएसएस उसकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो इनको भारतीय जनता पार्टी से बात करनी चाहिए। और सर आपको भी इसलिए रोका बीच में क्योंकि समय हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हैं, लेकिन हमें ये लगा कि आज आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं और ये एक आदर्श राजनीति की जो हम बात करते हैं ना सदा अपने कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बात उठा देते हैं कि हमारे देश में आदर्श राजनीति क्यों नहीं होती है, तो आपका वक्तव्य सुन के ऐसा ही लगा श्रीवास्तव जी कि आज यही आदर्श राजनीति होती है कि शिवसेना की जबरदस्त तारीफ आपने की। खैर ये सब तरफ ये देश भर में हो सर तो अच्छा एक रिएक्शन प्रोफेसर रागी सर से ले लें आप। संगीत रागी जी आपके लिए तो आज प्रश्नों की बौछार है हमारी तरफ से लेकिन समय उसकी आज्ञा नहीं देता है सर, हम अगर उसे समेट ले सब में तो क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच ये हिंदुत्व के चैंपियन बनने की लड़ाई है सर? देखिए यदि उद्धव ठाकरे जी के आप बयान और उनकी भाषा को यदि आप देखें तो मोहन भागवत जी के लिए कोई भी एक सन्यासी भी उनके साथ मोहन भागवत जी ही कहता है क्योंकि वो एक संत परंपरा में ही जी रहे हैं। वो कोई गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्रीय संत की परंपरा में ही है। और यदि उद्धव ठाकरे जी के बयान को देखें तो एक लगता है जैसे उद्विग्न बौखलाहट और बीमार मानसिकता का व्यक्ति बोल रहा हो। बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व हम सभी गर्व करते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व वो नहीं है जो बाला साहब ठाकरे जी का है। एक मुझे एक उनका इंटरव्यू याद है, उनमें एक पत्रकार उनसे पूछा था क्या आप कभी सोनिया गांधी के पास कभी राजनीतिक समर्थन के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, मैं हिजड़ा नहीं हूं। उनके पुत्र अब हिजड़ा हैं या नहीं है मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता लेकिन बाला साहब जी के उसी उक्ति को ध्यान में रख करके उद्धव ठाकरे जी को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात एक कहा जाता है संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है, एक यही शिवसेना थी जो पिछड़े जो अपने आप को मराठा और मराठा मानुष तक सीमित रखती थी, उसका हिंदुत्व का आदर्श राष्ट्रीय फलक पर नहीं था, उसका हिंदुत्व का आदर्श जो है वो मराठा तक सीमित है। यही कारण है कि वो दक्षिण भारतीय और नॉर्थ इंडियन सबको वो घृणा की नजर से देखता था। मूलतः शिवसेना का हिंदूकरण और राष्ट्रीय हिंदूकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सानिध्य में आने के पश्चात ही हुआ है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों पार्टियां क्यों आई हैं? देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी एक परिवार लिमिटेड कंपनी है, शरद पवार की पार्टी अपनी बेटी अपना भतीजा ये एक परिवार की पार्टी है और आपको पता है कि कांग्रेस भी एक परिवार लिमिटेड कंपनी है, तो ये तीनों पारिवारिक लिमिटेड कंपनी की जो पार्टियां हैं उनका एक साथ आना वाजिब बनता है। कोई वैचारिक अधिष्ठान की बात आप करें तो शिवसेना का कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं, आप मुंबई के आदमियों से पूछ लीजिए। एक गुंडों की पार्टी जो एक्सटॉर्शन करती हो, जो कॉरपोरेशन में एक्सटॉर्शन करती हो, छीना छपटी करती हो, मारपीट करती हो, एक यही 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 छवि शिवसेना की आज भी है, यही शिवसेना की छवि कल तक भी थी। क्यों शिवसेना बच इसलिए रही थी कि हिंदुत्व के आवरण में कहीं ना कहीं वो करती क्या थी, पाकिस्तान खेलने आया तो हम पिच खोद देंगे, इससे बड़ा उसका हिंदुत्व तो नहीं है। यदि पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा किया जाए, पूरे हिंदू समाज के लिए काम किया जाए और वो हिंदू समाज दक्षिण का भी हो, पूरब का भी हो, पश्चिम का भी हो, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक का हो, वो सारे हिंदू समाज की कल्पना उसके भीतर ही नहीं है। कोई एक काम मुझे बता दे शिवसेना का
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कम से कम 67 अनुसांगिक संगठन है जो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी काम कर रहे हैं। सेवा भारती का जिक्र किया, 44,000 प्रवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको हिंदुत्व की धारा से जोड़ करके राष्ट्रीय प्रवाह के साथ एक मन से भारत का एक मंत्र हो, ऐसी हिंदुत्व की भावना राष्ट्रीय संघ सेवक करती है जो सत्ता के, जो अपने परिवार। रागी जी, आगे आगे आपके पास आते हैं, क्योंकि पहले में पहला हमारा उद्देश्य ये था कि चारों को बराबर समय दे दें ताकि अपनी अपनी बात आप रखें। आपने भी अपनी बात रखी और प्रोफेसर रागी की बात से ही दुबे जी एक चीज मन में आई यहाँ पर, जैसे मराठा मानुष और जब उत्तर भारतीय जाते थे बच्चे हमारे ट्रेन से भर भर कर रेलवे की परीक्षा देने तो उन्हें पीटा जाता था शिवसेना की तरफ से, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो जैसा बंगाल में दुबे जी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली, ममता ने हरा दिया, बड़े बड़े मोदी शाह दिग्गज गए उनको, और वो टक्कर सिर्फ बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड चलकर ममता ने बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया और खुद जीत गई, क्या ऐसे ही दुबे जी आप लोगों का इरादा, उद्धव ठाकरे का इरादा महाराष्ट्र में तो नहीं है? सईद भाई, पहले प्रेम शुक्ला जी और फिर संगीत रागी जी की बात का जवाब दूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन इस बार समय आपको कम मिलेगा सर। हाँ नहीं, सुनिए सकते हैं आप, इन दोनों प्रवक्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं उस पर मेरे जवाब दीजिए। आज यदि दिवंगत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा यदि कहीं से देख रही होंगी तो बहुत ही अश्रुत होंगी, रो रही होंगी। आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं, किस शिवसेना की बात करते हैं? पूरी दिल्ली की दिल्ली मातोश्री आकर घुटने पर बैठती थी, कभी मातोश्री दिल्ली नहीं गई। क्या समझौता हुआ था, क्या समझौता हुआ था कि हम छोटे भाई होंगे, हम छोटे भाई होंगे महाराष्ट्र में और आप बड़े भाई होंगे? शिवसेना का मुख्यमंत्री 1995 में किसने बनाया था? आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। और जो रागी जी बोल रहे हैं कि हिंदुत्व शिवसेना ने हिंदुत्व, अरे भाई जब बाबरी मस्जिद गिरी और सारी दुनिया ने कोर्ट के माध्यम से पूछा कि क्या वह शिवसैनिक थे, तो शिवसेना पक्ष प्रमुख ने कहा हां यदि वो शिवसैनिक थे तो इस बात का मुझे गर्व है। आप ऐसी पार्टी की विचारधाराओं के नेताओं पर बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आज आपको सत्ता से बेदखल क्या कर दिया गया? आप सहूलियत के हिसाब से महबूबा मुफ्ती के साथ जाते हैं, आप सहूलियत के हिसाब से बसपा के साथ जाते हैं, आप सहूलियत के हिसाब से अकाली दल के साथ जाते हैं। जहां आपको सत्ता बनानी होती है आप वहां पे गठबंधन कर लेते हैं। अजीत पवार दादा के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने सत्ता बनाई, बंद कमरे में हमें वचन दिया, आपने उस वचन को तोड़ दिया, उसके हमारे पीठ पे छुरा भोंका, उसके बाद हमने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। महाराष्ट्र की जनता अब आपको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। आप कितनी भी राजनीति कर लीजिए, आपको रुकना होगा यहां पर। नकली हिंदू तो बन जाइए, लेकिन दुबे जी, सईद भाई जब ऐसे आरोप लगाते हैं हमारे पार्टी के ऊपर तब बोलना मेरा फर्ज है। नहीं, बिल्कुल आपने बोला, आपको रोका नहीं। देखिए प्रेम शुक्ला जी ने भी प्रयास किया लेकिन आपको एकदम रोका नहीं। और विनम्रता के साथ प्रेम जी, आप इसके बाद जवाब आप ही को देना है। और संगीत रागी जी भी कहना चाह रहे थे, श्रीवास्तव जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन 2019 में प्रेम जी आप लोग तो सरकार बना रहे थे दोनों, एक बार फिर से शिवसेना ने कहा कि आपने पीठ में छुरा भोंका इसलिए हमने आपको सत्ता से बेदखल किया, तो इसका जवाब भी प्लीज आप दीजिएगा। और असली हिंदू कौन, शिवसेना या बीजेपी? किसका हिंदुत्व असली, कौन असली हिंदू, कौन बड़ा हिंदू, कौन हिंदू का चैंपियन? प्रेम शुक्ला जी, एक ऐसी पार्टी महाराष्ट्र में जिसके प्रमुख, जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया, एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के आने पर मैच नहीं खेलने देने पर पिच खोद देती है, एक ऐसी पार्टी जो हाँ ये कहती है कि अगर बाबरी मस्जिद को ढहाया हमने हमारे शिवसैनिकों ने तो हमें गर्व है, दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा स्तुति कर देती हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ दिखाते हैं, तो क्या ये अब आपको हिंदुत्व के स्टैंड पर भी पीछे धकेलने की सभी राजनीतिक दलों की साजिश है या शिवसेना के लिए सत्ता बचाने का अपना कोई स्टैंड है? देखिए चुनावी हिंदुत्व तो बहुत लोगों का रहा है, लेकिन हिंदुत्व को शाश्वत अपना वैचारिक अधिष्ठान मानने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जहां तक बार बार बात बाबरी की होती है, मैं आनंद दुबे जी से और पूरी शिवसेना से अत्यंत विनम्रता से जानना चाहता हूँ, 5 शिव सैनिकों का नाम बता दें जो बाबरी के विध्वंस में शामिल पाए गए, 5 का नाम,
और वो पांचों आजकल कहां है, क्या शिवसेना में है क्या, पांच का नाम नहीं बता सकते साहब, ये बार बार बाबरी का श्रेय तो लेते हैं। दूसरी बार 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 आप बात करते हैं हिंदुत्व हमारा पुराना है साहब, 1987 के महाड़ अधिवेशन के पहले कभी भी शिवसेना ने हिंदुत्व को अपना वैचारिक समर्थन नहीं दिया था, ये सत्य है। दूसरी तरफ आप कृपा करके बता दीजिए ना कि आपकी शिवसेना में, शिवसेना की जो सबसे एपेक्स बॉडी है वो शिवसेना नेताओं की है, आज तक 1966 से लेकर 2021 तक क्या कोई गैर मराठी जो है वह शिवसेना के एपेक्स बॉडी शिवसेना नेता मंडल में रहा है क्या? तो नहीं रहा है। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि क्या कोई गैर ठाकरे या कोई गैर मराठी क्या शिवसेना का प्रमुख हो सकता है क्या? तो आप किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं साहब? आप परिवार से और मराठी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप जो श्रेय ले रहे हैं उसमें कौन लोग शामिल थे उनके नाम पते तक आपको नहीं पता है कि कौन लोग शामिल थे। ठीक है, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट में समय थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी सबके पास आते हैं। दुबे जी, ये सत्य नहीं है क्या? सिर्फ ये सत्ता के लिए हो रहा है, शिवसेना का मुस्लिम लीग से गठबंधन था। दुबे जी, 2019 के बाद आपको एक झटका लगा पर नहीं, हमारे पिछले सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया था। हाँ, बीजेपी के साथ मिलकर भाई आपने चुनाव लड़ा था, आप जीते थे, महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और आप दोनों को बहुमत दिया था, आप सरकार बना सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया जिसका आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं? आप प्रेम जी के सवाल का जवाब अवश्य दीजिए, लेकिन हमारा छोटे से दो प्रश्न, पिछला एक प्रश्न ये प्लीज। जैसे बंगाल का आपने उदाहरण दिया कि जैसे बंगाल में ममता दीदी ने इनके रथ को उखाड़ के फेंक दिया, आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री की सैकड़ों रैलियां, अमित शाह जी की सैकड़ों रैलियां, उनकी पूरी बीजेपी का मंत्रिमंडल वहां, उसके बाद भी सत्ता से कोसों दूर रह गए, उसी प्रकार इनका हाल महाराष्ट्र में अब भविष्य में होने वाला है। यह महाराष्ट्र में कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इनकी इनका जो सत्ता का मोह है ना, भविष्य वक्ता मत बनिए ना दुबे जी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए दूसरा, हम फैक्ट्स पर बात करें। दूसरा, हाँ, बंगाल से बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया ममता ने, सही बात है। आप तो ये बताइए कि भाई, आप तो ये बताइए कि क्या क्या विश्वासघात कर दिया बीजेपी ने, और बीजेपी आज आपको छोटा हिंदू क्यों लगने लगी? बंद कमरे असली हिंदू आप ही क्यों लगने लगे आज? जब बंद कमरे में तत्कालीन शिवसेना पक्ष प्रमुख को आपने शब्द दिए थे कि 2019 के चुनाव के बाद जो भी सीटें आएंगी उनमें आधे आधे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने उसको पूरी तरह से नकार दिया। अरे भाई, आप कहते हो कि हम राम की पार्टी हैं, राम ने क्या कहा कि रघुकुल रीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और दूसरा, मैं प्रेम शुक्ला की बात का जवाब देता हूँ कि आज ही आडवाणी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त हो रहा था तो वहां पर लोग मराठी भाषा में बात कर रहे थे। आपको जानना चाहिए कि मराठी कौन बोलता है, वो शिवसैनिक थे और हजारों की संख्या में थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था। आप किस बात को, आपको देश की टेलीविजन चैनल पे बैठ के झूठ बोलना अच्छा लगता होगा तो ये आपका अधिकार है। शिवसेना उसमें जाना नहीं चाहती है। रही बात विश्वासघात की, शिवसेना कभी विश्वासघात करती नहीं है, शिवसेना मर्दों की पार्टी है। प्रोफेसर रागी जी, सर आप सुन पा रहे हैं क्योंकि दोनों की आवाज में शायद मेरी आवाज आप तक ना पहुंच पाए। श्रीवास्तव जी, आप एक बार एक सवाल हम रागी जी से ले लें, दोनों की आवाज बंद हो जाएगी तो आपके हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी सर, लेकिन धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ही शांत हो गए। आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि बीजेपी बड़ा हिंदू असली हिंदू या शिवसेना असली हिंदू, आप तो आपके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है आपके, तो आप तो सत्ता में भी हैं, हिंदू मुसलमान में भी नहीं पड़ रहे और आप महाराष्ट्र में है ही, रागी साहब से पहले है ना, और आपको तो कांग्रेस भी पसंद करती है, शिवसेना भी पसंद करती है। आते हैं श्रीवास्तव जी आपके पास। रागी सर, सर आप हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या आप विभिन्न राजनीतिक दल देश की जनता को यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदू करती है, बीजेपी सिर्फ लड़ाने भड़काने के लिए हिंदू मुसलमान करके अपना हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश करती है, शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि विज्ञापन करने से कोई नेता नहीं बन जाता। 22 साल से राहुल गांधी का विज्ञापन चल रहा है, नेता नहीं बन पाए। हिंदुत्व का पुरोधा कौन है, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के इस राजनीतिक अखाड़े में और सामाजिक अखाड़े में कौन खड़ा है, ये पूरा देश जानता है।
आप तमाम कस्में खर के आप तमाम बाहियात और बेबुनियाद बातें आप कर लीजिए, लेकिन सबको जानता है कि 44,000 बनवासी क्षेत्रों में कौन काम कर रहा है, एकल शिक्षा विद्यालय कौन चला रहा है, कन्वर्जन के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है, हिंदुओं के बीच में शिक्षा के लिए कौन सा लाखों विद्यालय चला रहा है, और वैचारिक हिंदुत्व के प्रतिष्ठान की रक्षा के लिए कौन आगे आकर के खड़ा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज के दिन में ये पूरा देश जानता है। और शिवसेना के बारे में हम क्या कहें, बहुत हमें दुख होता है। नहीं कहिए कहिए बिंदास कहिए। मैं कहना चाहूंगा, एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे अंबेडकर जी का वो भाषण याद आता है लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमें ही अपने ही लोगों ने, मुझे लगता है आज की भूमिका में शिवसेना जयचंद की ही भूमिका में है। अफजल खां की जो प्रशंसा करती है पार्टी, वैसे पार्टियों के साथ आज शिवसेना सत्ता में है, और वह भी क्यों, एक परिवार की सत्ता में जिसमें बेटा भी हो और बाप भी हो। ठीक है सर, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। रागी सर, समय थोड़ा सा गमे इसलिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ लीजिए लीजिए प्लीज 15 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड आ रहे हैं आपके पास। नहीं श्रीवास्तव जी की बात सर, देखिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी सत्ता का नियमन करते थे, नियामक के तौर पर थे, वो सत्ता का भोग नहीं करते थे। उनका बेटा उनकी सारी संचित राजनीतिक पूंजी को, एक जैसे कहता है कोई निकम्मा निकल जाए, औलाद आवारा निकल जाए, उस सारी हिंदुत्व की राजनीतिक पूंजी को अपने सत्ता के लिए, ठीक है सर, सत्ता के लिए शिवसेना इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस, आप या जो भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, ममता हो गई, आप हो गए, उधर नीतीश हो गए, दूसरे और लोग हो गए, उन लोगों को बैठे बैठाए फायदा होने लगा, क्योंकि अब शिवसेना ही बीजेपी को फायदे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करना बताने लगी, नया हिंदूवादी बताने लगी, और हिंदुत्व का चैंपियन बनने की लड़ाई से सीधे सीधे आपको फायदा सर? अंसारी साहब, सबसे पहले तो मैं राजी साहब को बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति मानता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूँ। इसका मुझ जैसे व्यक्ति को इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय स्तर के चैनल से इतने हल्के शब्दों का उपयोग किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रागी साहब को भी और बाकी की जो लोग सुन रहे हैं उनको भी देखना होगा। इस मुल्क में सबसे पहले जो हिंदू राजनीति करने वाली पार्टी थी वो हिंदू महासभा की, जिसे आदरणीय कर्पात्री जी ने बनाया था। उसमें जनसंघ से संबंधित या आरएसएस से संबंधित इसका कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी बात मेरे को बोल लेने दीजिए। हिंदू महासभा मैं आपकी बात पे हिंदू महासभा सुना सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप झूठ बोलते हैं देश के सामने। प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे हैं, सुन लीजिए, साहब ने नहीं रोका आपको श्रीवास्तव जी। सॉरी सॉरी प्रेम भाई, सुन लीजिए, अभी आपको नहीं मालूम है, सुन लीजिए पहले। अभी आपको पता तो पता ही नहीं हिंदू महासभापक को, और हिंदू महासभा से कर्पात्री जी क्या लेना देना। कर्पात्री जी का राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद आपको पता नहीं है? अपने राम राज्य परिषद, भारत के राजनीतिक इतिहास को पढ़ लीजिए, के बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी। सॉरी, राम राज परिषद हिंदू महासभा क्या राजनीतिक पार्टी थी, जिसने की राजनीति की शुरुआत की थी। वो पहली हिंदू महासभा से दूसरी पार्टी अगर देश में आई है राजनीति करने के लिए, वो शिवसेना है। दूसरी पार्टी आरएसएस ने हमेशा अपने आप को एक सांस्कृतिक मंच कहा है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक शाखा बनाई भारतीय जनता पार्टी, और उसने भी कभी हिंदुओं की बात नहीं की थी। ये तो बनियों की पार्टी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी लगातार उनको बनियों की पार्टी कहती थी, और आज भी ये बनियों की पार्टी पार्टी के मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी समर्थक सलवार क्रांति के जनक आदरणीय बाबा रामदेव को सुन रहा था, पार्टी वो भी चीजों को बेच रहे थे। ये बनियों की पार्टी है, ये कभी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। पार्टी ये समझ लीजिए, वो तो ईसाई पार्टी है, श्रीवास्तव जी हिंदू है। श्रीवास्तव जी एक सेकंड, श्रीवास्तव जी सर आपको 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 रोक लें, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया। प्रेम जी आपसे आपसे अंतिम प्रश्न। प्रेम जी सच्चाई ये है, एक सेकंड श्रीवास्तव जी सर प्लीज, नव हिंदुत्ववादी आपको बता दिया, बंगाल में आपका हिंदुत्व कार्ड नहीं चला, क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं प्रेम जी, वही अगर आपको कटघरे में खड़ा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा सर?
देखिए देखिए, हमको नव हिंदुत्ववादी कहने वाले आदर्श किसमें ढूंढ रहे हैं? जिस बंगाल में चुनाव खत्म होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू माँ बहन बेटियों पर बलात्कार किया, उनके घर जला दिए और लाख भर हिंदुओं को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। तो हिंदुओं के बलात्कारियों में उद्धव ठाकरे को यदि आदर्श दिखाई दे रहा है तो उद्धव ठाकरे अफजल खान के चरण चाटने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस सोनिया सेना ने, शिवसेना प्रमुख हिंदू युद्ध सम्राट बाला साहब ठाकरे ने निश्चित तौर पर जो राजनीतिक हिंदुत्व की पूंजी तैयार की थी उसको सत्ता के लिए दीवारा पीट लिया है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का तर्पण कर दिया है। अंतिम अंतिम 30 सेकंड, आनंद जी 30 सेकंड है आपके पास, प्लीज सर, समय कम है, खत्म कीजिए। सईद भाई, रागी जी का राग अलग बंद हुआ है तो मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में कहते थे और सत्ता आएगी जाएगी, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन यह देश रहना चाहिए। लेकिन आज आरएसएस के विचारक शुक्ला जी, आनंद दुबे जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को कहा कि वो नव हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदू ये नए हैं, असली नहीं है, नकली है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व को खतरा बाहरी लोगों से नहीं, नव हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी से है। तो क्या कहना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे और क्या ये लड़ाई हिंदुत्व के चैंपियन बनने की, इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।